तो मैच नंबर 24 है मेरे भाई, जो कि खेला जाएगा साउदर्न ब्रेव्स वर्सेस, अगर बोला जाए यहाँ पर तो, ट्रेंट रॉकेट्स के बीच में। ट्रेंट रॉकेट्स करेंटली 5 मैच खेली है, 3 जीती है, 2 हारी है और 4th पोजीशन पे प्लेस्ड है। वहीं साउदर्न अभी हार गई, 2nd पोजीशन पे है, 6 में से 4 जीती, 2 हारी है। साउदर्न ब्रेव्स अच्छी टीम लग रही है, बॉलिंग इनके अच्छे हैं, लेकिन हाँ वही है, जोफ्रा आर्चर एक मैच खेल ले एक मैच नहीं खेल ले, इसी भी को बैठाना पड़ जाता है, उनको बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं तो ये वो नहीं खेलते, तो फिर डैनी ब्रेक्स को लाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे द रोज बॉल साउथहैम्पटन में मैच खेला जाएगा, जो कि ये उनका होम ग्राउंड हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट 31% साउदर्न और 69-70% के करीब करीब ट्रेंट को फेवरेट मान रही है इस मैच को जीतने के लिए। लास्ट मैच में ट्रेंट रॉकेट्स ने लगातार 2 मैच के हार के बाद वहाँ पे एक वापसी की, बढ़िया बैटिंग डिस्प्ले दिया। साउदर्न अगर बात किया जाए तो लास्ट मैच में 118 के करीब करीब यहाँ पे टारगेट अचीव की। अगर ये सेकंड बैट पे आती तो ये ही टीम जीतती, ओवल नहीं जीतती, क्योंकि वहाँ पे एडवांटेज टॉस का देखिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, सरफेस में वहाँ पे बहुत ज़्यादा मदद था बॉलर्स को। यहाँ पे आपने देखा डेविड मिलान कितना ज़्यादा यहाँ पे लगातार में 15 बॉल डॉट खेल के फिर आउट हो गए ओवल की तरफ से ही हो, तो सैम करन का फॉर्म अच्छा चला कि मैच को निकाल लिया, नहीं तो वहाँ पे भी 18-15 पैसा से मैच उठ के 65 पैसे गया, तो एक तरह से जैकपॉट हुआ, जितना ओवल पे प्रॉफिट नहीं आया, क्योंकि ओवल पे आपने यहाँ पे खाया होगा और बुक सेट 20 पैसे पे किया होगा, यहाँ पे 15 पैसा से खा के 65 पैसा उधर गया, तो ये ज़्यादा प्रॉफिट करके गया ना। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो ओवरऑल साउदर्न बहुत तगड़ी टीम दिख रही है, अच्छा लग रहा है कि हाँ इस साल बड़ा खेल सकती है, फाइनल में जा सकती है और कुछ भी कर सकती है। ठीक है, बाकी ट्रेंट रॉकेट्स ने भी अच्छा वापसी किया है, तो इसको मोमेंटम को कंटिन्यू इनको करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 मैच है, अगेन 10 अगस्त को 7 बजे का ये मैच है, रोज बॉल साउथहैम्पटन बोला जाए तो डायमेंशंस वाइज बहुत बड़ा स्टेडियम है, इसलिए फर्स्ट बैट को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज देखने को मिलता है। तो कौन सी टीम जीतेगी, सेशंस कैसे घटेंगे, काफ़ी तगड़ा मुकाबला होगा, अच्छा रेट आएगा, तो ज़रूर खेलिएगा इस मैच को, करना कुछ नहीं देगी। सबसे पहले आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन हो सकते हैं मेरे भाई, देखिए इसको स्कैन करिए, ज्वाइन हो जाइए, नेक्स्ट लेवल काम चल रहा है मैच और सेशन का लगातार में, एकदम डेली पास मैच हो या सेशन हो तो फ़ायदा उठाइए मेरे भाई इसका। और 7428525767 कॉन्टैक्ट करिए मैच और सेशन के लिए, और हर वीडियो के नीचे दूसरा ऑप्शन है ज्वाइन करने का टेलीग्राम की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, जाके ज्वाइन करिए यहाँ पे मैच के लिए, सेशन के लिए। और यहाँ पे जो भी दिक्कत हो आपको, परेशानी हो, लॉस में हो, हारे हुए हो, डरे हुए हो, परेशान है, दिमाग काम नहीं कर रहा, टेंशन मत लो, जैसे बोलेंगे फॉलो करो, प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द डे आपके पास जरूर होगा, सारा लॉस से रिकवर करवाना हमारा काम, आपको सोचना भी नहीं है कुछ। 21 डिग्री का टेम्परेचर है, चांसेस ऑफ रेन 0%, 56% की ह्यूमिडिटी है, और सरफेस में यहाँ पे अगर बोला जाए तो थोड़ा सा बाउंस रहता है और सीमर्स को मदद यहाँ पे देखने को मिलता है। देखिए 70 मैच हुआ है T20 पॉइंट ऑफ व्यू से, 43 बार फर्स्ट बैट, 26 बार सेकंड बैट, 1 मैच टाइड है, जैसा मैंने बोला फर्स्ट बैट को एडवांटेज जरूर रहता है, डिफेंड करवाना चाहती है कोई भी टीम फर्स्ट बैट पे, एक बार टारगेट खड़ा करने का कोशिश रहता है। एवरेज स्कोर दिख रहा है 162 के करीब करीब, और 221 हाईएस्ट है, ग्लेन मॉर्गन 87 पे 10 लोएस्ट है, 150 से नीचे 20 बार 152-160, 17 बार 172-189, 29 बार और 180 4 बार लगाए। अब देखिए मैनचेस्टर ओरिजिनल्स का बात किया जाए तो 116 रन यहाँ पे लास्ट मैच में ही मारी और उसको फिर साउदर्न ब्रेव्स ने इजिली चेस कर लिया, तो ये बिलो पार टारगेट था, कोई बात नहीं है, 6 में से 6 विकेट पे से 3 में से 3 2 विकेट पे स्पिनर्स को मिल गया। फिर 138 का आप यहाँ पे टारगेट देख सकते हैं दिया था और उसको भी साउदर्न चेस कर गई। ठीक है, तो 9 में से 8 विकेट पेसेस, 1 विकेट स्पिनर्स, 3 में से 2 विकेट पेसेस, 1 विकेट स्पिनर, तो दोनों ही मैच में तो ये देखने को मिल रहा है कि हाँ फर्स्ट बैट करने वाली टीम कुछ खास स्कोर खड़ा नहीं कर पाई है, मतलब बैटिंग सरफेस ही दिख रहा है। ठीक है, अभी तक इस सरफेस में उतना कुछ खास मदद नहीं मिला है सीमर्स को। ठीक है, बाकी साउदर्न ने दोनों ही मैच अपने होम ग्राउंड पे बढ़िया बैटिंग डिस्प्ले करते हुए और बॉलिंग डिस्प्ले करते हुए भी जीता है, तो बहुत डिफिकल्ट होगा साउदर्न को यहाँ पे हराना। बाकी बॉलर्स भी इनके पास तगड़े हैं। ठीक है, देखिए 9 में से 8 विकेट पेसेस, 1 विकेट स्पिनर्स, 3 में से 2 विकेट पेसेस, 1 विकेट स्पिनर, फिर 139 का टारगेट ओवर इनविंसिबल्स यहाँ पे मारी और साउदर्न ब्रेव्स उसको से डिफेंड कर ली, पिछले साल का बात है। ठीक है, लेकिन इस साल कुछ अलग सीन दिख रहा है और साउदर्न यहाँ पे तगड़ी टीम भी दिख रही है, अगर डिफेंड कराना है तो कम से कम 150-160 के करीब करीब रन मारना पड़ेगा कोई भी टीम को, तब जाके डिफेंड होने के चांस बनेंगे, उसमें भी आप नहीं बोल सकते कि होंगे या नहीं होंगे। 7 में से 3 बार पेसेस, 3 विकेट स्पिनर्स, 7 में से 5 विकेट पेसेस, 2 विकेट स्पिनर्स, तो 24 विकेट पेसेस और 9 विकेट है स्पिनर्स के पास, तो स्पिनर्स और पेसेस दोनों विकेट निकाल ले, लेकिन हाँ पेसेस को ज़्यादा मदद है जैसा मैंने बताया। अब हेड टू हेड में 4 मैच हुआ और दोनों ही टीम 2-2 मैच जीती है, तो बहुत अच्छी टीम है और बहुत मतलब एकदम हेल्दी टसल देखने को मिल रहा है।
और होम ग्राउंड पे एक मैच खेली है साउदर्न और बखूबी जीती है। अब यहाँ पे साउदर्न का देखा जाए तो लास्ट मैच लॉस है, विन है, विन है, विन है, लगातार तीन जीतने के बाद यहाँ पे एक लॉस आ गया और फिर लॉस है, तो लास्ट पांच में से अगर बोला जाए तो तीन जीत है। वही ट्रेंड का लास्ट मैच विन है, उससे पहले लॉस, लॉस, फिर विन, विन है, तो ये भी लास्ट पांच में तीन जीती। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि ये लास्ट मैच जीत के आ रही है और साउदर्न लास्ट मैच हार के आ रही है, लेकिन कम्पीट किया, बढ़िया कम्पीट किया, तब हारी है, रेट ला दिया था, अगर थोड़ा सा वहाँ पे सैम करन का विकेट आ जाता तो मैच डेड था। देखिए अब यहाँ पे लास्ट 10 मैच में ये 5 मैच जीती है, ये 7 मैच जीती है, तो साउदर्न ऑब्वियसली फेवरेट रहने वाली है। 138 एवरेज है, 196 हाईएस्ट, 91 लोएस्ट है, इनका एवरेज है 157, 193 हाईएस्ट और 125 लोएस्ट है। इस वेन्यू पे एक मैच खेली है, वो हारी है 138 के करीब करीब रन मारा था। इस मैच लास्ट 10 मैच में ये 6 मैच जीती है, 130 एवरेज है, 147 हाईएस्ट और 109 के करीब करीब लोएस्ट है। सेशन टिप्स देखें तो 30, 64, 99 और 148, इसको आप 10-15 रन घटा लीजिए, बाकी ये सब सही सेशन है, खेल सकते हैं, क्योंकि ये ऑन एंड एवरेज लास्ट 10 मैच का सेशन देखने को मिल रहा है। प्लेइंग 11 का बात किया जाए साउदर्न की तरफ से तो जेम्स विंस, एंड्रे फ्लेचर, ल्यूस डिप्लो, एलेक्स डेविस, लॉरी एवेंस, कायरन पोलर्ट, क्रिस जॉर्डन, जोफ्रा आर्चर, अकील हुसैन, क्रेग ओवरटन और टाइमन मिल्स। इधर देखा जाए तो एलेक्स हिल, टॉम बेंटन, जो रूट, एडम लाइट, रोमन पॉवेल, इमाद वसीम, लेस ग्रिगरी, राशिद खान, ल्यूक वुड, जॉन टर्नर, सैम कुक, इनका डिपेंडेंसी है राशिद खान और इमाद वसीम पे, तो स्पिनर्स को यहाँ पे कुछ खास मदद है नहीं, बाकी बैटिंग में यही दोनों चल रहा है और बाकी जो रूट से उतना कंट्रीब्यूशन नहीं आ पा रहा। इधर भी जेम्स विंस अकेले रन मार रहा है, बाकी कायरन पोलर्ट थोड़ा सा दे रहे हैं पुश, और फिनिश क्रिस जॉर्डन कर दिया था अलोंग विद जोफ्रा आर्चर अवेलेबल था, तो ठीक है। जेम्स विंस देखिए 52, 73, 90, 20, 19, तो लास्ट तीन मैच में अनबीटेबल है और जबरदस्त बैटिंग करके दे रहा है। ल्यूस डिप्लो 4, 21, 9, 21, 1, फॉर्म नहीं दिख रहा है, 1, 38, 20, 60, 0, ये LPL का फिगर्स और उसमें बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में थे, यहाँ पे नहीं चल पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉल स्विंग हो रहा था, सर खराब बैटिंग सर्विस था। 5, 16, 30, 24, 28, ये बड़ा खेल सकता है, ये थोड़ा टच में दिख रहा है, लेकिन इस मैच में भी लास्ट मैच में कुछ खास नहीं कर पाया। लॉरी विंस 4, 2, 25, 5, 1, ये भी एकदम फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं। पोलार्ड 18 रन मारे थे, 17, 38, 37, 6, 0, 1, 0, 2, 0, क्रिस जॉर्डन 1, 2, 3, 2, 1, बैटिंग से भी थोड़ा बहुत रन मार के दिया है। क्रेग ओवरटन जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है, 4, 7, DNV 7, 42, 1, 0, 2, 3, 0, अब हैमस्ट्रिंग खिंचा है, देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, 2 बॉल के लिए हुआ था, ठीक हो जाएगा। अकील हुसैन यहाँ पे 1 विकेट निकाला, 3, 0, 1, 1, फिर जोफ्रा आर्चर यहाँ पे विकेटलेस चले गए हैं, 0, फिर 4, 1, और फिर टाइमल मिल्स को भी आज 1 विकेट मिला है, फिर 4, 2, 2, 0, 2, तो टाइमल मिल्स थोड़ा एक्सपेंसिव था लेकिन विकेट लेके गया है। देखिए लास्ट मैच में एलेक्स हिल फॉर्म में आ गया, 68, 23, 38, 10, 6, तो इसको आप पिक कर सकते हैं। जो रूट 32, 17, 33, 20, 43, थोड़ा स्ट्रगलिंग पा रही था इनका, बाकी इमाद वसीम 0, 2, 4, 17, 4 और 2, 1, 2, 1, बॉलिंग अच्छा कर रहा है। बाकी इधर देखिए एडम लाइट 4, 9, 12, 8, 22, कुछ फॉर्म नहीं है, 36, 16, 7, 45, 66, तो ये देखिए 1, 2, 3 जो तीन मैच जीता है तो तीनों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया और 2 मैच जो हारा उसमें कंट्रीब्यूशन था ही नहीं, तो ये फॉर्म में है लेकिन वही अप्स एंड डाउन्स है। रोमन पॉवेल 13, 14, 21, 27, 12, ठीक है, थोड़ा बहुत फिनिशिंग का काम है तो ये दे देते हैं। लेविस ग्रेगरी 8, 0, DNV 7, 6, 1, 0, 1, 0, 2, लास्ट मैच में एक बॉलर को खेला और 9 बॉल फेंका लगा था, उसके बाद इसको बॉलिंग करना पड़ा और फिर भी मैच जीते ये लोग। राशिद खान देखिए 6, 13, 5, 15, 55, 4, 0, 2, 2, तो ये एक फिनिशर है, एक बॉल खेल रहे हैं, छक्का मार रहा है और रन मार के आ रहे हैं क्योंकि MLC में अच्छा रन मारा है ना मेजर लीग क्रिकेट में। बाकी ल्यूक वुड देखिए 2, 1, 0, 0, 1, जॉन टर्नर यही था 0, 4, 2, 2, 0, बॉलिंग ही नहीं करने दिया बेचारे को। सैम कुक का बात किया जाए तो 0, 2, 1, 2, और इधर देखिए यहाँ पे एलेक्स डेविस, टॉम बेंटन, एलेक्स हेल्स, जेम्स विंस, जो रूट, कायरन पोलार्ड, क्रिस जॉर्डन, ओवरटन, इमाद वसीम, टाइमल मिस और राशिद खान। राशिद खान अच्छा बॉलिंग कर रहा है, वाइस कैप्टन ठीक है, बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करेगा, फॉर्म में कौन जॉर्डन भी दोनों बेस्ट ऑप्शन है, बहुत बैटर बॉल, बाकी फॉर्म में ये हैं और यहाँ पे ये हैं, तो इन दोनों के साथ भी आप जा सकते हैं। और ड्रीम इलेवन की अपडेटेड टीम चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक जाकर ज्वाइन करिए, नेक्स्ट लेवल टीम आना फ्री और 7, 4, 2, 8, 5, 2, 5, 7, 6, 7 पर कॉन्टैक्ट करिए। मैच ऑफ सीजन के लिए और मैच ऑफ सीजन का टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे जाकर ज्वाइन करिए डेमो के लिए। चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट।